ओके बच्चों, अगेन इस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, सेल पढ़ रहे थे। सेल में हमने प्लाज्मोलिसिस पढ़ाया, आपको आई होप समझ में भी आया होगा, ठीक है। हाइपोटोनिक एंड हाइपो जो भी चीज़ें थी हम लोग बहुत इजीली इसे समझ पाए थे, ठीक है। आफ्टर दैट हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो हमने देखिए, ये एक डायग्रामेटिक ये भी दिखाया कि ये देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक प्लांट सेल, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन स्कोपिक माइक्रोस्कोपिक सेल है, जो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको नहीं बनाना है, बस ये समझने के लिए है, ठीक है। आफ्टर दैट ये एनिमल सेल है जो आपको बनाना है, ठीक है। तो ये प्लांट सेल है और दिस इज अ एनिमल सेल। आफ्टर दैट ये हम थोड़ा सा बुक किस डायग्राम को उठाते हैं। इस बुक किस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो ब्लू पार्ट आपको विजिबल हो पा रहा है, दिस इज अ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में आप क्या देखने को मिल रहा है कि देखो एक स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, राइट। और इसमें बहुत सारे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सेंट्रोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, वैक्यूल्स भी हैं, ठीक है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी, राइट, एंड साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताना है कि जो प्रोटोप्लाज्म से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म से हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और इसमें हम ये जान पाएंगे कि जो सेल है उसमें मेन मेम्ब्रेन, सेल का मेन पार्ट क्या क्या है। तो आप बताओगे कि सेल का मेन पार्ट सेल मेम्ब्रेन है, सीएम जिसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और न्यूक्लियस है। थ्री मेन पार्ट होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, राइट। और सेल को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस जब लेयरिंग पा जाता है, परफ्यूरेटेड न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, वो मेम्ब्रेन क्या करता है कि साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में ब्रेक कर देता है, राइट। मतलब कि न्यूक्लियस के बाहर कुछ लिक्विड पाए जाएंगे, सेल के अंदर ही की बात कर रहा हूं, इस न्यूक्लियस के बाहर कुछ लिक्विड्स मिल रहा है यहां से लेकर के यहां तक में, और सेल न्यूक्लियस के इन साइड में भी कोई फ्लूड मिल रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। तो जो फ्लूड सेल के अंदर है वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और जो फ्लूड न्यूक्लियस के अंदर है बेटा वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाएगा, राइट। After that, देखिए, तो सेल डिवाइड हुआ किसके बेस पे, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में हमने क्या किया, सेल को डिफरेंशिएट कर दिया, एक सेल उठाया और इसको क्या किया, डिफरेंट किया, मतलब डिवाइड किया दो पार्ट में सेपरेट करने के लिए। तो हमने इस बेस पे हम लोग डिवाइड कर पाएंगे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस इस दोनों लिक्विड को मिला के हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। इस दोनों लिक्विड को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय जेई प्रकुंजे, किसके द्वारा दिया गया है बेटा, तो क्या नाम बताओगे आप, जेई प्रकुंजे के द्वारा प्रोटोप्लाज्म टर्म बताया गया है, राइट, गुड। After that हम देखते हैं कि जो देखो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और ये किसकी बात हो रही है, यूकैरियोटिक सेल की। हम यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, हमने बताया था कि सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस जो हम बात कर रहे हैं, जो मेम्ब्रेन ये दिख रहा है आपको, ये मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस नहीं हो पाते हैं, वेल डेवलप नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई उसमें प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, सीधे प्रोटोप्लाज्म मिलेगा। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म डज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। ये मिलेगा आपको यूकैरियोटिक सेल में, जो जब न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, डबल लेयर से बाउंडेड होगा, राइट। आफ्टर दैट देखिए, साइटोप्लाज्म में जो डिवाइड हुआ है, ऑल सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। सभी सेल ऑर्गेनेल सेल के किस पार्ट में है, तो साइटोप्लाज्म के पार्ट में है। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मिलेगा, न्यूक्लियोलस मिलेगा, क्रोमेटिन फाइबर्स मिलेंगे, एंड बस इनफ, दो ही चीज मिलने वाले हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन फाइबर्स।
तो सेल ऑर्गेनेल कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसे आपको पढ़ने होंगे, तो मैं इस डायग्राम में ही बता दूं, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है आपको लाइसोसोम, ठीक है, तीसरा आपको पढ़ने को मिलेगा वैक्यूल्स के बारे में भी थोड़ा पढ़ ही लेंगे, ठीक है, गोल्जी वेसल्स के बारे में पढ़ लेंगे हम, ठीक है, गोल्जी अपर्चर्स, फिर हमें मिलेगा न्यूक्लियस, ये पूरा हिस्सा न्यूक्लियस का है, तो न्यूक्लियस को हम लोग सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, राइबोसोम भी पढ़ना है हमें, ठीक है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ना ही है, राइट, तो हमें बहुत सारी चीजें सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ना है, अभी स्टार्ट भी करना है, ठीक है, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बोला, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट सेल में मिलेगा आपको, एनिमल सेल में नहीं मिलता है, ठीक है, ये ग्रीन जो कलर दिख रहा है आपको ये क्लोरोप्लास्ट है जो सिर्फ प्लांट में मिलेगा, एनिमल सेल में नहीं मिलने वाला है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो दोनों में मिलेगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का इफेक्ट है कि सिर्फ एनिमल सेल में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, प्लांट सेल में कम पाया जाता है, ओके, सो हम स्टार्ट करने की कोशिश कर ही लेते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछ लेने चाहिए, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या हो सकता है, हमने अभी कुछ सेल ऑर्गेनेल का नाम आपके सामने लिया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म नॉट अ सेल ऑर्गेनेल, बट न्यूक्लियस इज अ सेल ऑर्गेनेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ सेल ऑर्गेनेल, राइबोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल, तो विच वन इज अ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, क्या नाम बताएंगे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल का, राइबोसोम, राइबोसोम जो है वो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, और लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल नाम इन प्लांट में अगर देखा जाए तो प्लास्टिड ही लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, जो क्लोरोप्लास्ट हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, जो प्लांट सेल में पाया जाएगा, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इन एनिमल सेल वो हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के जो सेल है उनमें यूकैरियोटिक सेल है, तो इनमें सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन सा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ठीक है, और लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर की पूछा जाए, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो न्यूक्लियस होगा, लेकिन प्लांट सेल में क्या होगा, अ कॉन्टैक्टाइल लार्ज वैक्यूल होगा, राइट, तो चलिए इसी के साथ हम न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियस में देखो बेटा हमें डायग्राम पहले क्या करते हैं, इस डायग्राम से इस न्यूक्लियस आउट करते हैं, तो न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस क्या हो सकता है, क्या बता सकते हैं न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस को हम बोलेंगे स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ओके, यहाँ पे लाइसोसोम होगा, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, और सेमी फ्लूइड्स भी इसमें भरे होंगे, फिलअप होंगे, राइट, और ये डबल लेयर से बाउंडेड होता है, जिसको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, एंड इसको परफोरेटेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूक्लियस डबल लेयर से बाउंडेड है, और उन लेयर के बीच में देखो मैंने ज्यादा ही गैप दिखाया है, इस गैपिंग के वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, परफोरेटेड, ठीक है, और ये डबल लेयर, डबल एनवेलप से जो बाउंडेड, इसको कैरियोथीका बोलते हैं, कैरियोथीका, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोलस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, क्रोमेटिन फाइबर्स हो गए, ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस एंड व्हेन, तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस 1831, ठीक है, 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई थी, वो भी किसके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, राइट, और न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सेल, अगर न्यूक्लियस नहीं रहा सेल के अंदर तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ न्यूक्लियस इज नॉट अकर इन एनी सेल, सेल विल बी डाई, सेल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है, सेल लिविंग नहीं रह पाएगा, तो ट्रू एक चीज और आती है इसी के बेस पे, देखो इसी न्यूक्लियस के बेस पे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को भी डिफाइन किया गया, सेल को दो पार्ट में ब्रेक किया गया, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप नहीं होते हैं, इसमें न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं, सिर्फ सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, उसको उस टाइप के सेल को हमने नाम दिया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, और इसका एग्जांपल्स आप क्या लिख दोगे, बैक्टीरिया, राइट, बैक्टीरिया के सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं,
आफ्टर दैट हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ये जो हम आपके सामने न्यूक्लियस दिखा रहे हैं जो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा डिस्कवर किया गया है, ठीक है, ये न्यूक्लियस वेल डेवलप होते हैं, डबल लेयर से बाउंडेड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटिका, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। और जो लिक्विड, जो सेमी फ्लूड इस न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा बेटा, उसे आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लास्ट बोलोगे। और ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं जो किसके, इस देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होगा, जीन होगा, ठीक है। और ह्यूमन में अगर हम अपनी बात करें तो हमारे बॉडी में कितने जीन होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर ऑफ जीन्स पाए जाते हैं, राइट। चलिए ये तो बात हो गई अलग। अब हमने बताया कि जिसमें ये टाइप की न्यूक्लियस मिलेगी उस सेल को हम यूकैरियोटिक बोलेंगे, जिस सेल में ये वेल डेवलप नहीं होगा वो न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, प्रोकैरियोटिक। तो हमारे बॉडी में कौन सी ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है बट जब वो मैच्योर होता है तो न्यूक्लियस को क्या करता है, रिमूव कर देता है। वाई, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करना होता है वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा, दिस सेल इज अ आरबीसी सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, जिसका अंदर नेम होता है बेटा इरिथ्रोसाइट। क्या कह रहे हैं, इरिथ्रोसाइट विच इज रेड इन कलर, विच इज शेप इज ओवल शेप एंड विच कैरी ऑक्सीजन ड्यू टू द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। एंड हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन प्रोटीन होता है, बट चलिए कोई बात नहीं, इसके आगे देखते हैं। इट न्यूक्लियस को क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, तो इसको हेड क्वार्टर ऑफ द सेल बोला जाता है। हेड मतलब ऑल फंक्शन, जो भी मेन फंक्शंस होते हैं सेल को, वो इस सेल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको समझ जाइए सेल को चलाने के लिए, ठीक है, इसके पूरे मेटाबॉलिक की एक्टिविटी को कंट्रोल कर, कौन करता है, तो न्यूक्लियस करता है, राइट। और इसीलिए न्यूक्लियस को डिक्लेयर किया गया, न्यूक्लियस इज द हेड ऑफ द सेल, राइट। न्यूक्लियस इज द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ये भी बोल सकते हैं। इट इज अ डायरेक्टर, अभी हमने बोला इट इज अ हेड ऑफ द सेल, दैट्स व्हाई इसको हम डायरेक्टर या डायरेक्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर एक्टिविटी, दैट्स व्हाई डायरेक्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द फॉर्म ऑफ फोर कंपोनेंट, ये फोर कंपोनेंट से मिलकर के बना है। पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या बोला मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी को बेटा कैरियोथिका याद रख लो, कैरियोथिका, राइट, कैरियोथिका इसका अनदर नेम होता है जो हमें याद रखना है, बाकी बुक में मिलेगा नहीं आपके, मे भी मिल जाए तो यू आर लकी, ठीक है, कैरियोथिका। और इस मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या मिलेगा, गैपिंग मिलेगा, जिसके वजह से वो अपने न्यूट्रिएंट्स को, जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, वो साइटोप्लाज्म से ले पाएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म से आउट कर पाएगा। तो इन्हीं पोर से आउट कर पाता है और इन पोर को क्या बोलते हैं, परफोरेटेड, इसको क्या नाम दिया जाएगा, न्यूक्लियर हैज मेनी पोर्स, ठीक है, दैट वाई इट इज अ परफोरेटेड एंड इट कनेक्ट टू द, किससे कनेक्ट होता है बेटा, तो यहाँ पे आप सेल ऑर्गेनेल्स जब सेल के स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, जब देखे होंगे, अब देख भी सकते हो, मैं आपको शो कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, इससे कौन सी ऑर्गेनेल अटैच है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, जो ईआरईआर एंड एसईआर के दो पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमने कैरियोथिका बोला और ये रेगुलेट करता है पूरे पार्ट ऑफ, मतलब पूरे फंक्शन ऑफ द सेल को, दैट्स व्हाई इसको हम डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोल रहे हैं। और इसमें सेकेंड मेन पार्ट क्या है बेटा, ये तो इन हमने आउटर कवरिंग की बात कर ली, मेन पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस, एंड सेकेंड मेन पार्ट क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोल रहा हूँ, एनपी, एनपी मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं, इसका अंदर नेम क्या है बेटा, न्यूक्लियर सैप, इट इज ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर सैप, विच इज अ ट्रांसपेरेंट, एकदम फुल्ली ट्रांसपेरेंट होता है लाइक अ वॉटर, ठीक है, इसमें कोई कलर्स नहीं होते हैं। और ये सेमी फ्लूड लिक्विड्स होते हैं, क्यूबॉइडल सब्सटेंस विच न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट, जिसमें इसी न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म में आप कह सकते हो
कि क्रोमैटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस की देखो अब थर्ड पार्ट हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोलस आपको आइडिया मिल गया, न्यूक्लियोलस एंड फोर्थ पार्ट है हमारा क्रोमैटिन फाइबर्स। आई होप आपको ने चार पार्ट न्यूक्लियस के ढूंढ लिए। क्या क्या? पहला पार्ट आपने ढूंढा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट आपने ढूंढा न्यूक्लियोप्लास्ट जो लिक्विड है, राइट, और थर्ड पार्ट हमने आइडेंटिफाई किया न्यूक्लियोलस, एंड फोर्थ पार्ट हो गया बेटा क्रोमैटिन फाइबर्स। गुड, इट इज द डेंस स्फेरिकल नेकेड बोल सकते हैं, न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो मेम्ब्रेनलेस होते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं नेकेड नेकेड, ठीक है, इसको नेकेड वर्ड मतलब इसलिए बोला जाता है, लाइक आई होप यू ईट पनीर, आपने पनीर खाया होगा, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, कोई लेयरिंग नहीं होती है, लेकिन आप वहीं ग्राम खाओगे, चना खाओगे, स्वीट पी खाओ यार, उसके ऊपर की लेयरिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, कवरिंग मिलेगी। तो उस टाइप की पनीर जब आप पनीर खाते हो तो उस पर कोई लेयरिंग नहीं है जो आप हटा पाओ, ठीक है। तो सिमिलरली जो न्यूक्लियोलस है उसके ऊपर भी कोई किसी भी प्रकार की कवरिंग नहीं है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं नेकेड, और ये क्या होते हैं मेम्ब्रेन लेस होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन इनका काम बड़ा दमदार है बेटा, क्योंकि ये हमारे बॉडी जब हम बेबी होते हैं और जब हम एडल्ट होते हैं तो ड्यू टू द हेल्प ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये प्रोटीन न्यूक्लियोलस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल में, क्योंकि ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है जिससे राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर पाता है। आई होप ये समझ में आया होगा, और प्रोटीन ही बॉडी बिल्डिंग ऑफ मटेरियल कहलाती है, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्रोमैटिन फाइबर्स की बात कर लेते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स जो क्या होते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं इट इज अ हेरिडेटरी कैरेक्टर, जो मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल, जो जीवन के लिए भी, लाइफ के लिए भी, कोई भी सेल एक सेल से दो सेल तभी बनेगा। आपने पढ़ा भी डिस्कवरी ऑफ सेल में कि जो रोडोल्फ वर्चाओ थे उन्होंने ये कहा था कि ऑल सेल, ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब अपने मदर सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। तो आप ये भी समझ सकते हो उनकी ओरिजिनल स्टेटमेंट ये थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका हम लोग मीनिंग्स कई तरीके से निकालते हैं, बट मीनिंग यही होता है कि जो भी न्यू सेल हमारे बॉडी में बन रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बन रहे हैं, तो वो न्यू सेल कहाँ से आते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, मीन्स अपने मदर सेल से आते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली वो मदर सेल से कैसे आएंगे, जब ये क्रोमैटिन फाइबर्स टूटेंगे दो पार्ट में, ठीक है, इसमें डीएनए होते हैं जो रिप्लिकेट करते हैं, और इन्हीं के रिप्लिकेशन से डबल होते हैं, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होती है, देन सेल डिवाइड होती है, तब जाके मदर सेल क्या करती है, न्यू सेल का फॉर्मेशन कर पाती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंस है एक सेल से न्यू सेल बनाने में, और दूसरी बेटा ये है जो आप देखते होंगे कि हमारी जैसे कि बहुत सारी चीजें हम अपने पेरेंट्स को देखें और फिर अपने को देखें तो बहुत सारी चीजें क्या होने वाली हैं, कॉमन होने वाली हैं। तो ये क्या है, हमारे पेरेंट ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, हम तो कुछ और बने नहीं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के भी दो हाथ से, हमारे पास भी दो हाथ होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि जो पेरेंट्स में है वही हम में है, ठीक है। आई एम नॉट से दैट कि 100% बट है 40% 50% जो भी है वो है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर कौन कैरी करता है, तो ये ही जेनेटिक मटेरियल जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर्स के नाम से जानते हैं, ये ठीक है। इट इज इसकी डिस्कवरी वॉल्डेयर ने 1888 में वॉल्डेयर ने किया था, ठीक है। और डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जीन, और इसीलिए इसको हेरिडिटरी कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाते हैं। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के हमने फोर मेन पार्ट पढ़े, पहला पार्ट पढ़ा हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, कैरियोथीका बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात हमने की न्यूक्लियोप्लाज्म की, न्यूक्लियोप्लाज्म को न्यूक्लियोसैप बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सब्सटेंस को इन एंड आउट करने में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हमने थर्ड पार्ट किया था कि न्यूक्लियोलस का, ये भी हमारा हर कोई जो भी नेचर ने, अगर कोई भी नेचर ये समझ जाइए एनी ब्रीथिंग जो नेचर में एग्जिट करती है उसका इंपॉर्टेंट रोल है,
ठीक है। तो न्यूक्लियस भी, न्यूक्लियोलस भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है जो राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है, और वो राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है आफ्टर, और ये मेम्ब्रेनलेस है, मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं पाई जाती है, ठीक है। आफ्टर दैट क्रोमैटिन की बात किया, जो जेनेटिक हेरिटी कैरेक्टर के नाम से जाना जाए, हेरिटी मटेरियल के नाम से जाना जाएगा, यूनिट बोल सकते हो, और इट इज मेड अप ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए एंड जीन विच कैरी जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू एंड द जनरेशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस का, और आफ्टर दैट हम किसकी बात कर सकते हैं। हाँ बेटा, तो हमने ये न्यूक्लियस को चार मेन पार्ट हमने इससे पढ़ लिए। आफ्टर दैट हम इसके फंक्शन को अगर देख लें, तो जो फंक्शन है न्यूक्लियस के वो क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, आपने अभी जस्ट बताया, समझा कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स है, ये क्या कर रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल को वन जनरेशन टू अदर जनरेशन कैरी कर रहा है। तो न्यूक्लियस का मेन कैरेक्टर, मेन फंक्शन क्या हो गया, न्यूक्लियस हेल्प टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट हो जाएगा बेटा, सेकेंड पॉइंट हो जाएगा इसमें कि न्यूक्लियस क्या है, इंपॉर्टेंट रोल करता है सेल डिवीजन में, हेल्प करता है। तो न्यूक्लियस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन में ये इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और थर्ड पॉइंट है इसमें न्यूक्लियस का कि ऑल, इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑल मेटाबोलिक, जो भी मेटाबॉलिक सेल की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है, दैट्स व्हाई इसको हम डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज द रीजन देयर आर थ्री मेन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। पहला मैंने बताया कि इट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, एंड इट हेल्प इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्टर ऑफ द सेल। ओके, तो हमने अभी जस्ट बताया था कि न्यूक्लियस का मेन कंपोनेंट एक है जो थर्ड वाला है, क्या है इसका, न्यूक्लियोलस, व्हाट आई एम सेइंग, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, न्यूक्लियोलस इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। तो हु इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम, राइबोसोम इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। द टर्म राइबोसोम वॉज गिवेन बाय, किसके द्वारा टर्म राइबोसोम दिया गया है, तो प्लाडे के द्वारा टर्म राइबोसोम दिया गया है, राइट। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, देखिए न्यूक्लियोलस भी मेम्ब्रेनलेस था, ठीक है, और न्यूक्लियोलस से जो जिस सब्सटेंस का सिक्रीशन हुआ, न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम बनाया, और वो राइबोसोम भी मेम्ब्रेनलेस है, क्या है, मेम्ब्रेन लेस है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें भी कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है। और ऑर्गेनेल विच मेड अप ऑफ, लेकिन किसका बना होता है ये, तो विच इज मेड अप ऑफ आरएनए, किसका बना होता है बेटा, आरएनए का, आरएनए का फुल फॉर्म क्या जानते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज नोन एज राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन, जो राइबोसोम का जो टर्म है इसे दिया गया प्लाडे के द्वारा, लेकिन डिस्कवरी जो जिस किसने किया था, दो साइंटिस्ट ने मिलकर किया था 1953 में, दिस साइंटिस्ट नेम इज रॉबिन्सन एंड ब्राउन, व्हाट आई एम से, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, राइट। आफ्टर दैट इन प्लांट सेल की बात करें, देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और दोनों में राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या हुआ कि राइबोसोम आल्सो फाउंड इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, बोथ, दोनों सेल में पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये प्रोकैरियोट में भी है और यूकैरियोट में भी है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जब राइबोसोम मिलेगा बेटा, तो ये दो सब यूनिट में डिवाइड होगा, 50S सब यूनिट एंड 30S सब यूनिट में, जैसे आप देख रहे हो कि ये लार्ज सब यूनिट है और दिस इज अ स्मॉल सब यूनिट। तो इसी तरह का प्रोकैरियोटिक में जब जो लार्ज सब यूनिट रहेगा वो 50S टाइप का रहेगा, और जो स्मॉल सब यूनिट रहेगा वो 30S टाइप का रहेगा। लेकिन यूकैरियोटिक में अगर हम बात करें, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम मिलेगा बेटा, वो 60S इसका रहेगा लार्ज सब यूनिट,
एंड स्मॉल सब यूनिट जो रहेगी वो 40s टाइप की रहेगी। मतलब हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम है वो कितने टाइप का है, तो 70s टाइप का मिलता है। कैलकुलेशन मैथ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी कैलकुलेशन मैथ के अकॉर्डिंग नहीं होगा, ये इसका अकॉर्डिंग अलग है। तो ये और इसमें जो मिलती है यूकैरियोटिक में कितने एस टाइप का राइबोसोम मिलता है, तो 80s टाइप का राइबोसोम मिलता है। और ये मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, इट वेरी मिन्यूट इन साइज विच कैन सी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको राइबोसोम देखनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, और ये क्योंकि ये बहुत ही मिन्यूट इन साइज होते हैं, लाइक अ वायरस से भी छोटे, मे बी वायरस के साइज के। द ग्रुप ऑफ राइबोसोम इज नोन एज, अगर बहुत सारे राइबोसोम एक सेल में मिलेंगे तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम कहलाएगा, और इस ग्रुप ऑफ राइबोसोम को क्या नाम दिया जाता है, पॉलीसोमस। क्या नाम देते हैं बेटा, पॉलीसोमस, राइट। और ये किसमें हेल्प करते हैं, इनको अभी बताया कि राइबोसोम इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो दैट्स व्हाई इट सिंथेसिस द प्रोटीन, सो इट इज नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा बेटा आपके लिए माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग उसमें डिबेट भी करेंगे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। और सेल ऑर्गेनेल, देखो राइबोसोम फूड फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाएगा, ठीक है, और ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल कौन कहलाएगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल, तो राइबोसोम। ओके, बाय।